चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक, सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोकृपा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो मनुष्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो
ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगींद्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि श्रुते स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुमात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवन कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवन अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति,
किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जहि देह जनाई, जानत तुम ही हो जाए। इसलिए हे भगवान, जिस प्रकार से मेरा परम कल्याण हो हुआ था तो आप मुझे बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। देही नित्यम अबध्योयम् देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, देह और देही बस दो तत्व हैं जो दिखाई पड़ते हैं, ये देह हैं। और इन देहों के भीतर बैठकर जो सबकी आंखों से देख रहा है वो देही है। बस यही दो ही तत्व हैं, देह दिखाई पड़ते हैं और देही देखता है। तो अर्जुन, जो देही है वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, देह हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं। जो भी दिखाई पड़ रहे हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, ये सब देह दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं। इन देहों के भीतर बैठकर जो देख रहा है वो हमारा तुम्हारा स्वरूप, क्योंकि हम ही तुम देखते हैं, देह दिखाई पड़ता है। इसलिए देही को भगवान कहते हैं देही नित्यम। देही नित्य है और अबध्योयम, अयम देही अबध्य, ये देही आत्मा अबध्य है, माने कोई बध करने में समर्थ नहीं है। देही को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि देही को काल भी नहीं छू सकता है। काल ही सबको मारता है, संसार में सबसे बलवान काल है। काल ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शरीर ही है ना। तो जो भी शरीर है उनको काल नहीं छोड़ता है, परंतु देही को काल नहीं मार सकता है, क्योंकि देही को छूता नहीं है काल। काल भी दृश्य ही है, प्रातः काल मध्यान्ह काल सायंकाल रात्रि काल दिवस काल, सप्ताह पक्ष मास वर्ष युग कल्प, ये सब काल हैं, काल के ही ये सब नाम हैं। तो ये तो देही आत्मा के दृश्य हैं और ये माया के कार्य हैं, ये सब माया से ही बनते। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न किया तो सबसे पहले काल को उत्पन्न किया, क्योंकि जो कोई उत्पन्न होगा वो काल में ही होगा, या तो प्रातः काल होगा या मध्यान्ह काल में पैदा होगा या सायंकाल में अथवा रात्रि काल में या दिन दिवस काल में, ये काल में ही पैदा होगा। और मरेगा तो काल में ही मरेगा। भगवान राम का जन्म मध्यान्ह काल में हुआ है, चैत्र मास में, इसलिए उनका भी शरीर नहीं रहा,
क्योंकि काल में उत्पन्न हुआ ना, और भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में, तो उनका जन्म हुआ है माने शरीर का जन्म हुआ है, तो शरीर का नाश भी होगा। तो शरीर तो किसी के भी नहीं बचेंगे, क्योंकि किसी काल में उत्पन्न होते हैं तो किसी काल में नाश भी हो जाता है। पर जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है उसको क्या काल क्या करेगा। तो आत्मा अर्जुन उत्पन्न नहीं हुआ है, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा का जन्म नहीं हुआ, इसीलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं देही नित्यम, देही हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, वो नित्य है माने सत्य है और अबद्ध है, कोई बद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा बलवान काल ही है। काल भी आत्मा को छूता नहीं है, आत्मा के दृश्य है। देखो हम तुम अर्जुन प्रातः काल को जानते हैं, मध्यान्ह काल को जानते हैं, सायंकाल को जानते हैं, रात्रि काल को जानते हैं, दिवस काल को जानते हैं, तो दृष्टा है ना काल के। काल चला जाता है, हम ज्यों के त्यों रहते हैं। देखो प्रातः काल कोटि यत्न करने पर भी मध्यान काल में नहीं रहेगा, क्यों? काल चल है, अचल नहीं है। अचलो अयम सनातना, हमारा तुम्हारा आत्मा अचल और सनातन है, सदा से है। जब काल भी नहीं था तब से है, इसलिए सदा रहने वाले हैं, सनातन है। तो अर्जुन देखो प्रातः काल में हम रहते हैं और प्रातः काल को देखते हैं। किसी को अपने रहने में संशय तो है नहीं, अहम अस्मि नवास्मि, मैं हूँ प्रातः काल या नहीं हूँ, ऐसा किसी को संशय नहीं। सबको यही संशय रहित ज्ञान है कि मैं प्रातः काल में हूँ और प्रातः काल को मैं देखता हूँ, इसमें भी किसी को संशय नहीं। अहम पश्यामि न व पश्यामि, मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, यह भी किसी को संशय नहीं है। किंतु मैं देखता ही हूँ, चाहे छोटा बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको ये संशय रहित ज्ञान है कि मैं देखता हूँ। तो ये दृष्टा तो सब शरीरों में एक ही है, दो दृष्टा कहाँ? क्योंकि सब लोग कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, तो अनेक शरीरों में एक ही दृष्टा, उस दृष्टा को ही ब्रह्म कहते। दृग दृश्य द्वय रूपे अस्ता परस्पर विलक्षण दृग ब्रह्म अदृश्य मायेति सर्ववेदांत निर्णय। अर्जुन दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ हैं, अब परस्पर में विलक्षण स्वभाव है माने विरुद्ध स्वभाव वाले। जो दृष्टा है वो सत्चित आनंद रूप ब्रह्म है, और जो दृश्य है वो असत जड़ दुख रूप, ये माया है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अर्जुन इतनी माया है। और चौथा दृष्टा है, ब्रह्म है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप, तीसरा कोई है नहीं। तो अर्जुन ये जो काल है ये रुकता नहीं है, चलता रहता है, एक एक मिनट सेकंड मिनट घंटा
पहर, दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये चलता ही रहता है काल, परंतु दृष्टा तो अचल है ना, दृष्टा नहीं चलता है, बराबर रहता है और देखता रहता है। माशाब्द युग कल्पेशु गतागम्य स्वनेकधा नोदेति नास्तमेते का संविदेशा स्वयं प्रभा। अर्जुन, कितने ही मास, वर्ष, युग, कल्प बीत गए, आगे भी आएंगे, परंतु अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो स्वरूप दृष्टा साक्षी है, चेतन है, वो तो ज्यों का त्यों अचल ही है। सब मास, वर्ष, युग, कल्प को देखने वाला है, ये दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप ही नहीं होता है, क्योंकि अविनाशी है। नहीं दृष्टुः दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है अविनाशी होने से। तो अविनाशी दृष्टि है हमारी तुम्हारी। कितने ही मास, वर्ष, युग, कल्प चले गए और आगे भी आएंगे, परंतु ये दृष्टा तो ज्यों का त्यों ही अचल रहता है, सदा एक समान प्रकाशमान रहता है। दृष्टा में कमी बेसी नहीं होती, दृष्टा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि बालक में जो दृष्टापन है वो छोटा है और जो युवा है, बूढ़ा है, उसमें कोई बड़ा है। बड़ा एक में बड़ा छोटा कौन होगा? दो हो, तीन हो, तो कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। जब सब में बैठ के देखने वाला एक ब्रह्म है, वही दृष्टा है, तो उसमें बड़ा छोटा कौन होगा? इसलिए सब शरीरों में बैठ के जो देखता है वो एक ब्रह्म है, एक मेवा द्वयम ब्रह्म, एक अद्वय माने एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। शरीर छोटे बड़े हो सकते, बालक, युवक और वृद्ध शरीर हो सकते हैं, पर दृष्टा नहीं होता, क्योंकि दृष्टा का जन्म नहीं, अजन्मा है, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप। इसलिए भगवान कहते हैं देही नित्यम अबध्योयम, देही सर्वस्य भारत, माने सबके देहों में, चाहे ईश्वर के देह हो, चाहे जीव के देह हो, सबके देहों में बैठकर देखने वाला दृष्टा ब्रह्म एक ही है। ईश्वर के शरीर माया बनाती है और जीवों के शरीर माया ही बनाती है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मच्छ, बामन, वराह, नृसिंह आदि जितने अवतार होते हैं, ये सब माया करके ही होते हैं। माया ही इनको बनाती है, माया ही इनका विनाश भी कर देती, क्योंकि काल भी माया के अंतर्गत है। तो किसी काल में ये सब उत्पन्न होते हैं और किसी काल में इनका विनाश हो जाता है, परंतु दृष्टा आत्मा तो काल से परे है, काल तो छू नहीं सकता। तो ईश्वर के शरीर भी माया बनाती है और जीव के शरीर स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ये सब जीव के शरीर हैं, ये भी माया ही बनाती है। तो जो माया बनाती है वो सामग्री नहीं लेती है, बिना सामग्री के बनाती है माया। जैसे कोई मकान बनावे तो सामग्री लेकर बनाता है, ईंटा पत्थर सरिया सीमेंट आदि लेकर बनाता है,
और ये शरीर रूपी मकान जिनके भीतर आत्मा बैठ के देख रहा है, ये मकान है शरीर छोटे बड़े अनेक रूप रंग के, तो इन मकानों को माया ने सामग्री लेकर नहीं बनाया, बिना सामग्री के। तो जो चीज़ बिना सामग्री के बनती है वो झूठी होती है। इंद्रजालवत, इंद्रजाली पुरुष जो कुछ बनाता है, खेल दिखाता है, मेवा मिठाई मलाई ये सब बना देता है बिना सामग्री के, और फल फूल आम अमरूद अनार बाग बगीचा लगा देता है आकाश में बिना सामग्री के। सामग्री कुछ नहीं ले, क्षण मात्र में बना देता है और अनेक रूप धर लेता है। एक राजा के यहाँ एक जादूगर नट आया और कहा, मैं बहुत बढ़िया खेल दिखाता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो दिखाऊं। तो राजा ने कहा, अच्छा भाई दिखाओ। डुग्गी पिटवा दिया राज्य में और कहा, बहुत बढ़िया कोई जादूगर आया है, नट आया है, वो बहुत अच्छा खेल दिखाता है, सब लोग देखने के लिए आओ। तो तमाम राज्य के लोग और राजाधिकारी भी और राजा रानी राजकुमार राजकुमारियां भी सब उसका खेल देखने के लिए बैठ गए। सज्जनों, इसी प्रकार के बिना सामग्री के आम अमरूद अनार अंगूर बना देवे क्षण मात्र में, मेवा मिठाई मलाई बना देवे क्षण मात्र में, और दस दस हजार की पाँच पाँच हजार की नोटों की वर्षा कर देवे बिना सामग्री के, जैसे वर्षा होती है ऐसी बरसात कर देवे। अद्भुत चमत्कार दिखाता रहा दिखाता रहा दिखाता रहा, सब मगन है उसके खेल देखने में। और थोड़ी देर में आकाश से आवाज आने लगी, मारो मारो काटो, ये मरा वो गिरा, ऐसे ही लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। उस नट ने कहा, राजन थोड़ी देर के लिए मैं खेल बंद करता हूँ, थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा, इंद्र मेरा मित्र है, उसके ऊपर संकट आया है, असुरों ने धावा बोल दिया है, तो देवासुर संग्राम होने लगा, देवता असुरों का युद्ध होने लगा है। अब इंद्र मेरा मित्र है, इसलिए मुझे उचित है कि मित्र की सहायता करूं, इसलिए प्रभु ये जो मेरी पत्नी है नटनी, इसकी आप देखभाल करना और मैं थोड़ी देर में मित्र की सहायता करके आ जाऊंगा। इतना कहा और एक कच्चा सूत का गोला इतना बड़ा निकाला और ऐसे फेंक दिया ऊपर, एक छोर पकड़े रहा और वो गोला सूत का उतिनता चला गया उतिनता चला गया, फिर उसी कच्चे सूत से चढ़ना शुरू किया। सबके देखते देखते वो कच्चा सूत, भला बताओ नट का बोझा कैसे सह सकता, पर वो जादू का खेल है, उसी कच्चे सूत से वो चढ़ गया। देखते देखते वो गया, फिर अंतर्धान हो गया और घमासान युद्ध होने लगा, और युद्ध की आवाजें यहाँ सुनाई पड़ती थी इस मृत्युलोक में, और वो स्वर्गलोक में पहुँच गया है। सज्जनों, थोड़ी देर में क्या हुआ, युद्ध करते 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 उस नट का हाथ कट के गिर गया, पांव भी कट के गिर गए, थोड़ी देर में सिर भी कट के गिर गया और धड़ भी कट के गिर गया।
नटनी ने देखा और दौड़ के उठा लिया। कहा, राजन मेरे स्वामी का ये सिर है, युद्ध में देवासुर संग्राम में मेरे स्वामी मारे गए, अब मैं क्षण भर जीवित नहीं रह सकती, सती हो जाऊंगी, मुझे कुछ काष्ठ मंगवा दो, चिता लगवा दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, ये सहायता करो मेरी। सब लोगों ने कहा, भाई ये तो खेल है जादूगर का, सचमुच में थोड़ी मर गया है, तुम्हारा पति सचमुच में नहीं मरा है, तो जादू का खेल है। तो नटनी कहती है, नहीं स्वामी, अब जब सिर कट गया है तो निश्चय ही मर गया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप चिता लगवा दो, काष्ठ इकट्ठा कर दो। बहुत समझाया लोगों ने, जब नहीं मानी वो नटनी तो राजा ने कहा, भाई इकट्ठा कर दो काष्ठ, काठ इकट्ठा कर दिया, चिता लगा दिया, और वो नटनी के सतीत्व प्रभाव से चिता अपने आप जलने लगी बिना आग लगाए, और वो नटनी उसी में जल करके भस्म सात हो गई, सबके देखते देखते भस्म हो गई, राख हो गई। अब बड़ा सन्नाटा छा गया, ये क्या खेल हुआ तमाशा। थोड़ी देर में आवाज आने लगी, महाराज इंद्र की जय हो, महाराज इंद्र की जय हो, ऐसी आवाज आने लगी, राजा इंद्र की विजय हो गई, नट की कृपा से अपने मित्र की सहायता से विजय हो गई, ऐसी आवाज आने लगी, और एक बहुत बड़े दिव्य विमान में बैठकर और इंद्र के जैसे ही बेस में वैसे ही पोशाक और मुकुट बांधे हुए उस विमान में बैठा हुआ वो नट भी आ गया, और वो विमान वहीं सभा में सबके सामने उतरा, और उसी इंद्र के बेस में नट ने राजा को प्रणाम किया, सब सभा को प्रणाम किया कि आप सब लोगों की कृपा से मेरे मित्र इंद्र की विजय हो गई, इंद्र ने ये विमान भेजा है और मुझे ये सब पोशाक दिया। फिर कहा, राजन मेरी नटनी कहाँ है। तो सब लोग चुप रहे, बोले बोलो क्यों बात, चुप क्यों हो आप लोग। तो राजा ने इशारा किया, ये राख देख रहे हो चिता की। बोले हाँ। कहा, तुम्हारे हाथ पांव सिर कट के गिरा था, धड़ कट के गिरा था, तो तुम्हारी पत्नी बोली, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं जीवित नहीं रह सकती एक क्षण, मुझे काष्ठा कर दो, चिता लगवा दो, मैं सती हो जाऊँगी। हमने बहुत मना किया सब लोगों ने, परंतु वो नहीं माने तो हमको काष्ठ इकट्ठा करना पड़ा, और वो सबके देखते देखते अपनी जोग बल से चिता में आग लग गई और उसी में बैठ के जल के भस्म हो गई। नट ने कहा, नहीं राजन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे खेल को नटनी जानती है, वो ऐसे कैसे भस्म हो जाएंगे, अवश्य आपने मेरी सुंदर पत्नी नटनी को अपने महल में छिपा दिया होगा, परंतु अपनी रानी, आपकी रानी से सुंदर थोड़ी है मेरी नटनी, नटनी को आप क्या करोगे रख करके, आप भुला दीजिए, मैं आ गया हूँ। सब लोग हंसने लगे नट की बातों में,
राजा ने कहा भाई हमको क्या करना है छिपा के तेरी नटनी को। अरे हमारे रानी है, राजकुमारियां हैं, राजपुत्र हैं, हमें तुम्हारी नटनी को क्या करना है। कहन कुछ भी हो प्रभु, तुम्हारे महल में अवश्य मेरी नटनी छिपी हुई है। सब हंसते हैं उसकी बातों पर। कहा बुला दो प्रभु, नहीं तो मैं बुला लूँगा, फिर आपकी बदनामी होगी, लोग कहेंगे देखो राजा ने नटनी को छिपाया है। सबने कहा हाँ हाँ बुला ले। नटनी का नाम लेकर के बुलाया तो वो भी रानी जैसी पोशाक पहने हुए, सुंदर आभूषण वस्त्र पहने हुए और राजमहल से छम छम करते हुए उतर करके आ गई सभा में। सब लोग हैरान हो गए, चकित हो गए कि भाई ये तो अभी चिता में भस्म हो गई थी, अब ये राजा के महल में कैसे पहुंच गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। और ये नट के भी अंग अंग कट के गिर गए थे और ये कैसे इंद्र के वेश में आ गया, तो बड़ा आश्चर्य का खेल देखा लोगों ने, चमत्कार। तो सज्जनों कहने का अभिप्राय ये कि नट जादूगर से सब असंभव काम संभव करके दिखा देता है। फिर सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, राजन मेरा खेल सबको अच्छा लगा। सबने कहा हाँ बहुत अच्छा लगा। पल्ला फैला दिया, कहा यदि मेरा खेल आपको अच्छा लगा है तो रुपया दो रुपया चार रुपया दस रुपया खुशी से प्रेम से आप जो कुछ भी दे दोगे, मैं तो यही खेल दिखा करके अपना गुजर बसर करता हूँ। तो सब लोगों ने कोई दस कोई बीस कोई हजार उसके पल्ले में फेंक दिया। सोचो सज्जनों, जब ये मेवा मिठाई मलाई बना लेता है, रुपयों की वर्षा करता है, तो इसको गरीबी कैसी। खेल दिखाने के बाद में चार रुपया दस रुपया की मिठाई खा करके मोल ले करके और पानी पीता है। कहने का अभिप्राय ईश्वर जादूगरों का जादूगर है, ये तो छोटे छोटे जादूगर हैं। तो कह रहे थे हम आपसे बिना सामग्री के चीज बना देता है, ईश्वर भी बिना सामग्री के ये सारा संसार बना देता है। किससे, माया से, जादूगरी से। तो बिन सामग्री उपजत याते जग प्रपंच इमिथ्याताते। जो चीज़ बिना सामग्री के बनती है वो मिथ्या ही हुआ करती है। तो दृष्टांत क्या है, इंद्रजालवत। जैसे इंद्रजाली पुरुष बिना सामग्री के चीज़ें बना देता है, सो उसकी सब चीज़ें झूठी है मिथ्या। स्वप्न समान झूठ जग जानहु, लेस सत्य या को मतिमान हो। जैसे स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर जागो तो कहीं कुछ नहीं, झूठा। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, जब लेने को हाथ बढ़ाया जाग पड़ा कुछ भी नहीं पाया। फूल फलों से लदा हुआ बाग स्वप्न में लगाया और जब पकने लगे, खाने के लिए मित्र यार दोस्तों के साथ घूमने लग गए, ये हुआ कि कुछ पके पके फल खाए जाएं। जब हाथ बढ़ाया तोड़ने के लिए तो आँख खुल गई, जाग पड़ा कहीं कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये जागृत का जगत भी है।
जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे। जग प्रपंच इमि मिथ्या जानो, लेस सत्य या को मति मानो। जैसे जागृत में स्वप्न नहीं रहता, तैसे ही स्वप्न में जागृत भी नहीं रहता है। सुसुप्ति में दोनों नहीं रहते, पर दृष्टा जागृत में रहता है, जागृत को देखता है, स्वप्न में रहता है, स्वप्न को देखता है। सुसुप्ति में दोनों नहीं रहते तो इनके अभाव को देखता है, और सुसुप्ति में गाढ़ निद्रा में अज्ञान अंधकार को देखता है। तो दृष्टा तो हमेशा रहता है तीनों काल में, उसका अभाव नहीं होता है। स्थूल शरीर जागृत में रहते हैं, स्वप्न में सूक्ष्म रहते हैं, तो स्वप्न में ये स्थूल शरीर खत्म हो जाते। मन के भीतर संस्कार मात्र ये संसार के रह जाते, और सुसुप्ति में वो सूक्ष्म संसार भी खत्म हो जाता है। और तुरी में सुसुप्ति भी नहीं रहती, केवल आत्मा ही आत्मा रहता है। तो आत्मा नित्य और अवध्य है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी अर्जुन माया है, तुम माया को देखो और अपने स्वरूप को जानो। माया दृश्य है और तुम चेतन आत्मा दृष्टा ब्रह्म हो। अर्जुन संपूर्ण ज्ञान इतना ही है, खूब विचार कर लो, इससे ज्यादा और कोई ज्ञान नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।